अल्लाह दोस्तों एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जनाब अपडेट है चूँकि चैपियंस ट्रॉफी 2025 जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त एनोवेशन इस वक्त कजाफी स्टेडियम लाहौर में नेशनल स्टेडियम कराची में चल रही है पिंडी में बहुत ज़्यादा काम नहीं है वो तो आप भूल जाएँ कि वहाँ तो बस छोटा मोटा सा इंस्टॉलेशन वगैरह होनी सीट्स की लेकिन कराची का बहुत ज़्यादा काम भी है लेकिन वो बहुत उसके नस्बतन बहुत काम है जो कजाफी में हो रहा है तो नेशनल निकल ने कराची के अंदर तो आई थिंक जो बिल्डिंग का काम है वो हो जाएगा लेकिन कसाफी स्टेडियम में तो पूरा का पूरा स्टेडियम एक तरह से नया बना दिया और अब आज ये खबरें आई कि जो आपकी जो उसकी फ्लड लाइट थी वो भी न्यू लाइट्स वहाँ पे जो है एल ई डी लाइट्स लग गई जिससे और व्यू अच्छा हो जाएगा ग्राउंड का उसकी लाइट्स अच्छी हो जाएंगी तो इससे जुड़ा हुआ फैक्टर ये है कि दस और ग्यारह नवंबर को आई सी सी का वफ्त पाकिस्तान आ रहा है जिन्होंने जायजा लेना है और आप लोग ये सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में मिले थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा कब हम इंडिया के हवाले से कन्फर्मेशन सुनेंगे तो दोस्तों ये जरूर है कि जो दस नवंबर का जो टूर है इसमें आईसीसी आपको मतलब एक तरह से अप्रूवल दे देगा कि जी आपकी रेनोवेशन वगैरह ये हो सब कुछ ठीक है ये सब जो भी है अब हमें अपने एंगल्स पे काम करना है यानी कि हम इंडिया से कब बात करें पाकिस्तान से कब बात करें आ, क्या पाकिस्तान में इंडिया आएगा भी कि नहीं आएगा ये सारी बातें अब आई -सी -सी को अपने एंड पे देखनी है पाकिस्तान ने अपने एंड का, का काम कर दिया है पाकिस्तान इज़ डन देयर जॉब हमने अपनी रेनोवेशन अपनी ग्राउंड की अपग्रेडेशन आईसीसी ने जो जो कहा कि ये चीज़ बेहतर करनी है यूँ करना है ऐसे करना है वो सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आ, जो कमी बेची रह भी गई थी वह वसीम खान और उनकी टीम जब आए थे आई के तमाम तो उन्होंने आके देख लिया था लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद आईसीसी की बारी है जी आईसीसी क्या फैसला करता है कब फैसला करता है चूंकि देखिए टाइम नहीं ये कहती है कि नवंबर में तो कोई मीटिंग नहीं है अगले महीने यानी अब दिसंबर भी बड़ा करीब आ गया है साल यूं गुजर गया भाई 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी हम कर रहे थे और ये नवंबर आ गया है और अभी आपको दिसंबर आ जाएगा और फिर दो हजार पच्चीस भी शुरू हो जाएगा फिर चैंपियंस ट्रॉफी आपके बिल्कुल सर पर खड़ी होगी सो अब लगता ऐसे है कि आई ने जो अब अपनी बड़ी तब्दीली करनी है जो वहां पर भी आपको पता है कि जय साहब अब तीन साल के बजाय छह साल के लिए आना चाह रहे हैं तो ऐसे लगता है कि दिसंबर में जाके ही चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ चीज़ फाइनलाइज होगी शेड्यूल वगैरह बना हुआ है आपको पता ही है वो शेड्यूल इंटरनेट मौजूद है नौ फरवरी से लेके फिर मार्च तक और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच इसी तरह दीगर ग्रुप जो बने हुए पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में ये सब मौजूद है लेकिन क्या लाहौर आएगी टीम इंडिया या वो दुबई जाना चाहेंगे ये चीज़ तो मैं आपको तसली से कह दूं बार बार कह चुका हूं इससे पहले भी कही थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 100 परसेंट हो रही है लेकिन इंडिया का आना फिफ्टी फिफ्टी है मैं अभी बड़ा होपफुल हूँ कि उनके जो वजीर खारजा है जयशंकर वहाँ सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि जाते जाते थैंक यू किया और बहुत अच्छे नोट पर वो मीटिंग ख़त्म हुई और उनका पाकिस्तान का दौरा खत्म हुआ आई एम वेरी होपफुल कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी और लाहौर में तीनों मैचेस खेल रही होगी और बहरल लेकिन ये मैं मतलब एक मेरा आइडिया ज़रूर है लेकिन गहरी बात है जब तक ये चीज़ अनाउंस नहीं होती ये जब मामला जब तक जो है वो थोड़ा सा डोल रहेगा सो so, मेरा ये ख्याल है कि शेड्यूल जो बन चुका है इसकी अनाउंसमेंट आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है और जब तक फैसला हो जाएगा कि भारत ने भी पाकिस्तान आना ही नहीं आना आप इस मेरे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से जुड़े रहिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा जैसी को अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊँगा टेक केयर